तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं तीन फोन और कैमरा गिम्बल्स का। शॉट के लिए क्रेन M2 जिसका वेट 100 ग्राम, 500 ग्राम और कैपेसिटी है 700 ग्राम तक के। इसमें आप कैमरा और फोन 700 ग्राम का उसको आप होल्ड कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं, और 7 आवर्स का इसका बैटरी बैकअप है जो काफ़ी अच्छा है। सेकेंड नंबर पे है DJI रोहिणी SC जिसका वेट 1.1 kg है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2.2 kg तक आप कोई भी कैमरा हैवी कैमरा जो है वो इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसमें 11 आवर्स का इसका बैटरी बैकअप है। और थर्ड नंबर पे है मोजो एयरक्रॉस 2, इसके वेट जो है ये 900 ग्राम, काफी लाइट वेट है और ये होल्ड कर सकता है 3.2 kg तक का हैवी कैमरे को ये होल्ड कर सकता है। 11 आवर्स का इसका बैटरी बैकअप है जो कि काफी अच्छा है। तीनों में फीचर्स लमसम सभी में सेम ही है जो एक गिम्बल्स में होते हैं वो तीनों में ही हैं, मगर कुछ एडवांस फीचर हैं जो आगे रिव्यू करते हैं। तीनों में जो फीचर्स हैं टिल्ट, पैन, रोटेशन, 3 डिग्री रोटेशन, ये फीचर्स तीनों में ही हैं जो हर गिम्बल्स में होते हैं। काफ़ी स्मूथली फीचर्स हैं इनके। एंड फेस ट्रैकिंग जो तीनों में ही है कि जहाँ भी आप फेस ट्रैक ये करना होता है इसमें, अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसको कर सकते हैं। और थर्ड है जो इसका फोन के मोशन को ये काफ़ी अच्छा सेंस करता है, रियल टाइम में फोन सेंसिंग के मोशन को ये सेंस करता है। काफ़ी अच्छा फीचर है, ये मज़ेदार फीचर है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे, तीनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी में बनाया गया है इन्हें। चलिए अब इनका लॉकिंग सिस्टम तीनों में ही है। तीनों गिम्बल से लिए गए शॉट्स देखिए। That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. फेस ट्रैकिंग की बात की जाए तो फेस ट्रैकिंग से जो फीचर्स है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है। सिंगल पर्सन अगर हो तो वो अपने को काफ़ी अच्छा सिनेमेटिक शॉट ले सकता है। बट इसमें सिर्फ एक ही है कि अगर आप स्लो मोशन यानी स्लो में अगर आप मूव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसको थोड़ा फास्ट मूव होते हैं तो इसको वापस फेस ट्रैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ये। आप इसे फेस ट्रैक नहीं होगा।
आप बताइएगा इसमें से तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। मोजो गिम्बल जो है काफी अच्छा है, आप भी बताइएगा कि कौन सा अच्छा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। थैंक यू।